सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी ज्यादा ज्ञान की बात बताने वाला हूँ। ज्ञान की बात मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, ऑलमोस्ट 12th क्लास के CBSE बोर्ड के जो एग्जाम्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी शायद एक एग्जाम बचा हुआ है हिस्ट्री का, जो कि 10th of June को है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी फ्री हो ही चुके होंगे। तो अब जो ज्ञान की बात है वो आप जरा ध्यान से सुनो। अब देखो, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने के बाद दो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार अब हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी है, चलो चलते हैं अब नानी के घर, आराम से वहां पर एंजॉय करने वाले हैं। दूसरे वो स्टूडेंट है जिनको अपनी डायरेक्शन पता है कि भाई हमें इस बोर्ड एग्जाम्स के बाद क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कि उनके एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है और अभी वो टाइम है जब आपको सच में पढ़ाई करनी है बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा आपको अब पढ़ाई करनी है तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो आप पढ़ाई करेंगे उसके थ्रू ही आपको अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो मिलने वाला है, राइट? तो आप उन स्टूडेंट्स के अंदर मत बनेगा जिसको लगे कि यार गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी है, अब हम इंजॉय करते हैं मस्त। आप उन स्टूडेंट्स के अंदर से बनो जिनको अपनी डायरेक्शन पता है कि यार अभी मुझे प्रिपरेशन करनी है, देन उसके बाद मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। और देखिए, अब आपको पता होगा 12th क्लास के बोर्ड के मार्क्स जो है वो इतने ज्यादा मैटर अब नहीं करते हैं। अब CUET आ चुका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर आपको एडमिशन लेना है, BHU में आपको एडमिशन लेना है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के अंदर लेना है। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हो, BBA, BMS, IPMET वगैरह, तो उसके अपने अलग एंट्रेंसेस होते हैं। Xavier का अलग एंट्रेंस है, क्राइस्ट का अलग, सिम्बायोसिस का अलग, IPSET का अलग। तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी के अंदर अभी एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम आ चुका है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे अभी तो भाई आपको अपना जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यार कॉलेज जो है वो कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं कि आपको वहां पर जाने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन कॉलेज जो है वो आपकी डायरेक्शन एक सेट कर देता है कि भाई इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अगर आप कॉलेज के अंदर चले जाते हो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर जो कि टॉप कॉलेज है, देन उसके बाद आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, इतना बढ़िया एक्सपोजर होता है कि आप लाइफ के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो टॉप कॉलेज होते हैं उनके अंदर जाने का हमें टारगेट बनाना चाहिए कि यार हमें उन कॉलेज के अंदर जाना है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एंट्रेंस एग्जाम्स आपके कितने नजदीक आ चुके हैं तो मैं आपको एक बार सारे के सारे एंट्रेंसेस की डेट्स बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने पास हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स आ चुके हैं। ZipMET 3rd of July को, CUET अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन मिड जुलाई के अंदर होने वाला है, यानी कि आपके पास लगभग एक महीने का टाइम ही बचा हुआ है। भारतीय विद्यापीठ 24 June या फिर 25 June, सिम्बायोसिस 3rd July, क्राइस्ट का 4th round जो है वो 20th of June को है, IPSET अराउंड 18 June के आसपास, IIM इंदौर 2nd July, IIM रोहतक 26th of June, इसके अलावा जो आपका Xavier है वो 24 June से लेकर 29 June के बीच होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे आप CUET टारगेट कर रहे हैं दिल्ली के लिए, BHU के लिए, चाहे आप दूसरे बाकी एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हो जितने भी मैंने फिलहाल आपको बताए हैं, तो भाई इनकी जो डेट्स है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। किसी के अंदर एक महीना बचा है, किसी के अंदर डेढ़ महीना बचा है, और किसी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 दिन ही बचे होंगे, बिल्कुल सरफर एग्जाम्स आपके आ चुके हैं। तो अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो भाई आप मुझे बताओगे आप कब करोगे? तो यही वो टाइम है जब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ हमारे थ्रू ही करो, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। हमारा नया बैच आ रहा है 10th of June को, और काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके 10th of June को एग्जाम होगा तो 11th June को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10th और 11th को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट first 30 students होंगे, यानी कि जो आज से लेकर के first 30 students होंगे, उनको हम लोग काफी बढ़िया एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। 10th और 11th को तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप आज करते हैं तो आपको काफी बढ़िया एक डिस्काउंट भी वहां पर मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ही। अब देखिए, आपको क्या करना है प्रिपरेशन करते वक्त, सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि आपको पता हो कि भाई आप जिस एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर मैं बात करूं CUET की, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि आपके डोमेन्स है, जनरल टेस्ट है, आपके इंग्लिश हो गया, आपके या दूसरी लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं BBBS IPMET की, तो आपका जो आपका GK वोबल LRDI कौन सा एप्टीट्यूड है पूरा वो आता है। सबसे पहले आपको क्लियर करना है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि टाइम कितना बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि यार आपको हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी। अगर मैं आपको ऑलमोस्ट टाइम बताऊं तो आपको हर रोज 5 से 6 घंटे तो भाई एटलीस्ट पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। जब आप इतनी पढ़ाई करोगे तब जाकर के आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे मैं तो सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई कर लेता हूं उससे मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो भाई ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और काफी सारे लोग पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं एक तो, और दूसरा हम आपकी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क क्या है?
तो देखो सेल्फ स्टडी से भी भाई बहुत बड़े बड़े एंट्रेंसेस निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग मतलब सेल्फ स्टडी से आईएएस भी निकाल देते हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं हो सकता है। सेल्फ स्टडी से भाई पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कोचिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि कोचिंग आपको एक डायरेक्शन देती है कि भाई आपको हर रोज क्या पढ़ाई करनी है। हम लोग आपको ईबुक्स देंगे जिसके थ्रू आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जो ईबुक्स होंगी वो बिल्कुल भी मतलब पीडीएफ की तरह नहीं होती, वो अलग से ईबुक्स बनाई गई हैं, तो आपको ईबुक्स मिलेंगी। ईबुक्स के अलावा हम लोग आपको वहां पर वीडियो लेक्चर्स देने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी टॉपिक्स के, जिससे आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो हो सके। वीडियो लेक्चर्स के अलावा हम लोग आपको वहां पर मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो सीयूटी के मॉक्स मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए टारगेट कर रहे हैं जैसे कि बीबीबी सेगमेंट, तो उसके अलग अलग मॉक्स आपको मिलने वाले हैं। और मॉक से क्या होता है, मॉक से आपकी स्पीड बिल्डिंग हो जाती है। मान लीजिए आप पहली बार एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो 12th क्लास के बाद, और आपको नहीं पता यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होते हैं, जब हम कंप्यूटर पर बैठेंगे तो किस तरह से हमें स्टार्टिंग में टेस्ट देना होगा, तो अगर आपको नहीं पता हैबिचुअल आप नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपकी स्पीड बिल्डिंग काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट के अलावा हम लोग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि यार हमारे जितने भी टॉपिक्स हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की है उसकी प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं विद डिटेल्ड आंसर, तो काफी बड़ा एक क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको देने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा हम लोग वहां पर आपको एक स्टडी प्लानर देते हैं कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। डाउट सोल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, कहीं भी कोई डाउट है फैकल्टी सारे के सारे डाउट सोल्व करती है। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल चीज भी हमारे बैच के अंदर है, और वो है मेंटरशिप। अगर किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कोई इशू आ रहा है तो वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉलिंग नंबर होता है, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपका नॉन एकेडमिक डाउट भी है उसको भी आप पूछ सकते हो। एकेडमिक डाउट जो है वो तो सोल्व होंगे ही होंगे, अगर आपका कोई नॉन एकेडमिक डाउट भी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उसमें भी हम लोग आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, काफी सजेशन आपको हम लोग दे देंगे ताकि आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो सॉर्ट आउट हो सके। और जब तक आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर नहीं जाते हो तब तक आप हेल्प ले सकते हो, हमसे सजेशन ले सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं जब तक आपका एडमिशन फाइनल उस कॉलेज के अंदर नहीं होता है। तो ये काफी ज्यादा सही चीज है हमारे कोर्स के अंदर, तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं, प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाता है, और क्या डिस्काउंट होगा व्हाट्सएप पर आपको पता चल जाएगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करना है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अब आपको पता चल चुका है यार ये जो छुट्टियां हैं कोई नानी के घर जाने वाली छुट्टियां नहीं है, ये छुट्टियां पढ़ाई करने वाली छुट्टियां है। इन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर पहली बार आप मेहनत करके पढ़ाई करो, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखना कि आप कहां पर चले जाते हैं, किस कॉलेज के अंदर जाते हैं, लाइफ के अंदर क्या एक्सपोजर आपको मिलता है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, तो उस वक्त आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है।